सो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ICICI डायरेक्ट के डीमेट अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं ऐप में, वेबसाइट में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने मुझको डायरेक्टली कमेंट किया है और बोला है कि वो ICICI डायरेक्ट के डीमेट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐप में भी नहीं ना ही वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप अपना डीएक्टिवेट अकाउंट या फिर इनएक्टिव अकाउंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, दोबारा से कैसे लॉगिन कर सकते हैं, अगर कोई शेयर वगैरह है तो उसे कैसे सेल कर सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ICICI डायरेक्ट का डीमेट अकाउंट जो है कि आपका इनएक्टिव कब होता है। जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में यानी कि मोबाइल ऐप में या फिर वेबसाइट पर एक साल तक लॉगिन नहीं करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है या फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपका क्लोज नहीं होता। अगर आपको डाउट है कि वो क्लोज हो गया तो क्लोज नहीं हुआ है, वो आपका अकाउंट वैसे ही है, चल रहा है। अगर जो MC चार्जेस लगने हैं वो आपका लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये है। तो गाइस, आपको मोबाइल ऐप के थ्रू तो बिल्कुल नहीं जाना है, आपको वेबसाइट पर जाना है। आपको क्रोम अपने मोबाइल का ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है secure.ICICI direct, ठीक है। बस आपको यही सर्च करना है secure.ICICI direct। यहाँ पर एक सबसे टॉप पर ही जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होगा, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन होगा। तो डेफिनेटली आपको पासवर्ड तो पता नहीं होगा और आप लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं तो लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप सीधे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन का यूज करेंगे और फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ऑप्शन रहता है तो वो डालेंगे और OTP और कैप्चा डालकर यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। आपका अकाउंट जो कि यहाँ से क्रिएट अकाउंट पासवर्ड करने का ऑप्शन आएगा, दोबारा से आप क्रिएट पासवर्ड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि मतलब जो भी पासवर्ड बनाएंगे वो बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस से आएंगे secure.ICICI डायरेक्ट लॉगिन वाले पर। लॉगिन पर आने के बाद अब आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, पिन वगैरह भी क्रिएट कर लिया है। देखिए वहाँ पर पिन बनाने का भी ऑप्शन होता है, तो 6 डिजिट का पिन बनाएंगे और ऊपर और नीचे दोनों सेम पिन डालेंगे क्योंकि वहाँ पर क्रिएट और कन्फर्म करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन करने के बाद जाएंगे, तो लॉगिन करने पर सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा आपके सामने वो होगा प्रोफाइल अपडेट का। ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप ICICI डायरेक्ट के अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट आपको करना होगा, इसमें 3 मेजर चेंजेस आपको करने हैं, कुछ चेंजेस नहीं करना है, वही सेम चीज़ें आपको पेस्ट करनी है। प्रोफाइल अपडेट का आपके सामने ऑप्शन आता है तो बगल में आपका ईमेल ID होगा, ईमेल ID को कॉपी कर लीजिएगा। उसी के बगल में एक ऑप्शन होता है ईमेल ID एंटर करने का, तो उसी में आप ईमेल ID को पेस्ट कर दीजिए और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका पहले से है उसी को बगल में आप दोबारा से उसी को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं बट सब में चेंजेस वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ग्रॉस इनकम का, तो वहाँ पर आप जाएंगे और सबसे टॉप पर जो भी होगा उसे सर्च कर लेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, या फिर अगर मैनुअली एंटर करना चाहते हैं तो 2.5 लाख लिख देंगे, 250000, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपका जो है कि यहाँ से काम खत्म हो जाता है, इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है कि आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं लॉगिन करने का, ठीक है। तो आपका अकाउंट इसके बाद लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो इनएक्टिव अकाउंट था वो इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो हो गया लॉगिन वाला प्रॉब्लम। सेकंड, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, कि आप सेकंड स्टेप क्या कर सकते हैं। आप ICICI डायरेक्ट के कस्टमर केयर से खुद डायरेक्टली बात करिए, तब आपका जो है कि हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट नंबर फाइंड आउट करेंगे तभी आप जो है कि ICICI डायरेक्ट को कॉल कर पाएंगे। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है और उस वीडियो को देख लीजिए, मेरी क्लोजिंग वाली वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको जो है कि अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों इजीली क्लोज कर पाएंगे, जितनी सारी प्रॉब्लम आती है उन सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर भी पाएंगे कि जो आपका अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पर आता है, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने ICICI डायरेक्ट के कस्टमर केयर नंबर दिया है, वहाँ से उस नंबर पर देखकर आप कॉल करेंगे। कॉल आप ICICI डायरेक्ट के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अकाउंट ओपनिंग वाले प्रोसेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट नंबर एंटर करिए, तो जो आपका 10 डिजिट का ट्रेडिंग अकाउंट नंबर आपने देखा है और नोट किया है उसको आप नोट किए रहिएगा और उसी वही नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद आपका डायरेक्टली कॉल कनेक्ट हो जाएगा और आप बात कर लेंगे। और मेरा एक पर्सनली आपको रिकमेंडेशन है कि आपका भले ही जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे ज़रूरी नहीं है कि आप उसी से कॉल करें, आप जियो के सिम से कॉल करिएगा। अगर आपका जो रजिस्टर नंबर है उससे अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका कई बार ट्राई किया है बट आपका जो कि वेटिंग में ही रह रहा है, कॉल ट्राई नहीं हो रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप किसी और फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब वहाँ पर पूछा जाएगा कि ये आपका रजिस्टर नंबर है जिससे आपने कॉल किया, तो वहाँ पर बोल दीजिएगा नहीं ये मेरा रजिस्टर नंबर नहीं है, वो बस आपके साथ बेसिक डिटेल मांगेंगे, आपका आपका जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेंगे, ये सब चीज़ें बता देंगे। और बाकी उनसे आप बोल दीजिएगा कस्टमर केयर से कि सर मैं अपना जो कि ICICI डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई सवाल और डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ICICI डायरेक्ट का डीमेट अकाउंट अगर आप परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं, डीमेट ट्रेडिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डीमेट की बात कर रहा हूँ, तो डीमेट क्लोज करने के लिए मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई है, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा,
या फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना AMC चार्जेस पे किए हुए जो -826 आपके अकाउंट पर लगे हैं उसको बिना पे किए हुए कैसे अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। बहुत बड़ी वीडियो है फ्रेंड वो वाली, मतलब बड़ी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको चार्ज भी नहीं पे करना है और ऐसे ऐसे डायरेक्ट आप क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।